तुम्हारा भाई वापस आ गया एक नए वीडियो के साथ। तो अब आप सोच रहे हो कि फरहान भाई सुबह सुबह गाड़ी से कहाँ जा रहे हो, तो फाइनली भाई आज मैं जल्दी उठ गया हूँ और आज मैं जॉगिंग के लिए आ गया हूँ। तो फिर चलो जॉगिंग करते हैं और बाकी बातें उसके बाद। मैं बस वॉक करते करते मैंने सोचा आपसे कुछ बात शेयर करता हूँ। अगर आप गाना से नहीं और बाहर से यहाँ घूमने आ रहे हैं तो प्लीज़ गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए। यहाँ बहुत सारे इनोसेंट एनिमल है जो कभी भी रोड में आ जाते हैं। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे केसेस सुने जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट में ये सब हादसे होते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप बाहर से हैं और गाना घूमने आ रहे हैं तो नेचर के मज़े लीजिए, गाड़ी धीरे चलाइए और वेलकम टू दी कान्हा नेशनल पार्क। काफ़ी दूर हो गया मुझे वॉक करते करते, तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, थोड़ा चिल करता हूँ क्योंकि काफ़ी थक भी गया हूँ भाई। काफ़ी दिन बाद आया हो तो पैर भी बहुत दर्द हो रहे हैं, तो मैं बोला थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो बस अभी बैठे हुए हैं हम और भाई जो माहौल है ना, अभी जो वाइब्स आ रही है ना भाई, वो इतनी प्यारी वाइब्स हैं। अगर आप कान्हा आते हो ना तो भाई आपको जो वाइब्स आएंगी बोले तो नेक्स्ट टू अनदर लेवल है वो वाइब्स। तो आओ यार कान्हा घूमो, मिलो तुम्हारे भाई से, और जब भी आना हो तो भाई को कांटेक्ट कर लेना, तुम्हारा भाई आ जाएगा मिलने के लिए। तो मैं कल कुछ व्लॉग्स देख रहा था तो उसमें से मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी जो भारत भाई ने करे, वो बहुत बड़े एथलीट हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है ना वो कभी गिरता नहीं है। तो बस इतना ही है, होप आपको समझ में आया होगा कि जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है वो कभी गिरता नहीं है। वो बहुत प्यारी लाइन थी और मुझे बहुत छू गई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये हमारा पुराना दोस्त, मुझे इसका नाम तो नहीं पता है बट ये जब भी मैं आता हूँ ये मेरे पास आ जाता है और ये बहुत प्यारा है, इज़ वेरी क्यूट। और हाँ, अगर आपको ऐसे जानवर रोड में दिख रहे हैं तो प्लीज़ उनको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो भी वो खाने के लिए उनको मिलता था वो कुछ मिल नहीं पा रहा है। अगर कभी भी ऐसे जानवर दिखे मासूम से तो उनको कुछ भी खाने का दे दो यार, एक रोटी बिस्किट या जो भी हो, आपसे जितना हो पाए उतना ही कर दो, काफ़ी है। तो आप हमारे साथ साथ जाओगे, आपको और प्यार चाहिए? नहीं, अब हम जाएंगे घर। नहीं और काफ़ी देर वॉक करने के बाद अभी आ गए हम गाड़ी के पास और अभी हम जा रहे हैं घर, तो फिर सीधा मिलते हैं घर में। तो ठीक है फिर। अभी हम आ गए हैं घर और मैंने अपना वर्कआउट भी कंप्लीट कर लिया है और मैंने प्रोटीन पी लिया है। और मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्विक रिव्यू देना चाहता हूँ। मैं वैसे डोंट जज मी क्योंकि मैं टेक्निकल इशू में उतना सही नहीं हूँ। तो ये है रियलमी का सेल्फी और ट्राईपॉड। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या आ जाता है। तो इसमें आता है ब्लूटूथ विथ 5.1 mm का, और ये ब्लूटूथ सेपरेट भी हो जाता है, ऐसे अलग भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा है अगर आप दूर से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो, या दूर से फोटोज़ लेना चाहते हैं तो, और रोटेटेबल है
ये यहाँ से घूम भी जाता है, जैसा अगर घुमाना चाहो तो सर ट्राइपॉड भी बन जाता है, और साथ साथ में ये सेल्फी स्टिक का मतलब ये ट्राइपॉड की तरह से स्टैंड भी बन जाता है और काफ़ी स्टेबल होता है अगर आप जैसे देख रहे हो तो। बस इस चीज़ के बारे में इतना ही रिव्यू, और मैंने आज जितना भी ब्लॉग शूट किया था वो मैंने इसी से किया था, इसलिए मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू देना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मेरे लास्ट व्लॉग्स के बारे में। अगर आप मेरे व्लॉग्स डेली देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा मैंने कल व्लॉग नहीं डाला। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है आइडिया को लेकर, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। मैं वो व्लॉग शायद आज जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ इसके बाद मैं डाल दूंगा, और मैंने बहुत जल्दी वाईफाई भी लगवाने के लिए बोल दिया है। कल ही मैंने फ़ोन लगा दिया था BSNL, क्योंकि यहाँ आइडिया और एयरटेल का और जियो का वाईफाई नहीं लगता है, तो यहाँ पर सिर्फ BSNL का ही लग रहा है, तो मैंने BSNL का ही लगवा लिया है। तो अब शायद मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी नेट की, व्लॉग्स जल्दी अपलोड हो जाएंगे, और आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए। और आज मैंने सोचा है, कल मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो मैंने काफ़ी देर उससे बात करी, तो उसने मुझे बोली तू क्लासेस नहीं कर रहा है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं स्टडीज़ को लेकर उतना सीरियस नहीं होता हूँ, और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फिर मैं एकदम चिल आउट हूँ, और अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी है नहीं। मुझे पता है कि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होने वाले हैं नहीं, तो मैं उतना टेंशन नहीं लेता हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने बोली तू बस एक क्लास लगा लिया कर, कोई सी भी एक क्लास लगा लिया कर। तो एक क्लास ज़रूर लगाऊंगा, तो आज हम पढ़ाई भी करेंगे घर में, आज से मतलब हम पढ़ाई भी करेंगे घर में। तो अभी हमारी क्लासेस हो गई स्टार्ट, तो अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद और कुछ करेंगे बातें, क्योंकि क्लासेस भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है अब। और तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में वापस आकर। क्लासेस हो गई खत्म, अब हम मिलते हैं सीधा कल। जाने से पहले मैंने कुछ शूट किया था, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके बाय बाय।